हाँ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब सिलसिला इस तरह है कि पहले हमने वो देख लिया था कि फिक्स पार्शियल एंटर के जो बेसिक्स थे हमने वो देख लिए थे, क्राउन, वेनियर्स, ब्रिज वगैरह क्या होते हैं, और उसके बाद फिर उसके जो पार्ट्स हैं के कनेक्टर्स हो गए, उसके अबटमेंट, कॉन्टेक, जो भी हैं वो सारे हमने देख लिए थे, उसके डिफरेंट टाइप्स वगैरह या वो क्या क्या है। अब ये जो दूसरा हमारा उसकी उसी सीरीज का दूसरा जो लेक्चर है, ये है कि फैब्रिकेट हम कैसे करते हैं, कि अगर हमने कोई फिक्स्ड पार्शियल लेंचर बनाना है तो उसकी फैब्रिकेशन कैसे है। अच्छा, फैब्रिकेशन से मुतल्लिक जो है, सबसे पहले तो इसका भी कोई बेसिक्स का आइडिया हो कि डाई क्या होता है। डाई एक्चुअली जो है हमारा टूथ का, सिंगल टूथ का रेप्लिका है, ठीक है। हम बनाते क्यों हैं, इसका फायदा ये होता है कि इसे इजी टू हैंडल होता है, इजी टू मैनिपुलेट होता है, फिनिशिंग वगैरह करके इसके ऊपर सीट करना, सारी चीज़ें जो है बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमने मार्जिन्स का बड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल तक इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, तो वो हम निकाल के जब आसानी से देख लेंगे तो वो आसानी हो जाएगी। अब मामला ये होता है कि मॉडल पे क्या मामला होता है कि आप बकल या लिंगुअल साइड को बड़े अच्छे तरीके से देख लेते हैं, मगर आपकी मेजर डिस्टल साइड होती हैं, क्योंकि जिनकी साइड के ऊपर ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग टूथ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उसके ऊपर आप उतनी अच्छी डिटेल से काट नहीं सकते, इसलिए डाई जो है वो हमें चाहिए होती है इस पर्पज के लिए। तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव रेप्लिका ऑफ द प्रिपेयर्ड टूथ मेड फॉर इजियर हैंडलिंग ड्यूरिंग द वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन एंड द फिनिशिंग। डाई की टाइप्स क्या है, दो तरह की डाई जो है वो कंसिडर होती है, एक तो होती है वर्किंग कास्ट विद सेपरेट डाई सिस्टम और विद रिमूवेबल डाई सिस्टम, दो अलग चीजें हैं। वर्किंग कास्ट जो है वो सेपरेट डाई सिस्टम जो है वो ये इस तरह होता है कि एक ही उसके दो मॉडल्स हम बना लेते हैं, एक मॉडल को हम डाइसेक्ट करके उसमें जितना पोर्शन हमें डाई का चाहिए वो रख लेते हैं, और एक हमारे पास पूरा मॉडल एज इट इज पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं कि जो सेपरेट मॉडल डाई सिस्टम ये वाला जो है, इसमें क्या करते हैं कि उसकी वो बना के उसके ऊपर पैटर्न बना के, तो हम जो मास्टर कास्ट कह लें उसे या दूसरा जो भी कास्ट है उसके ऊपर सीट करके देख लेते हैं, वो हमारा सेपरेट कास्ट के ऊपर बन जाता है, इसलिए इसे जो है सेपरेट, अच्छा वर्किंग कास्ट विद द सेपरेट डाई सिस्टम, ये डाई और पे हमने बनाया है और दूसरे वाले पे हमने सीट करके उसके ऊपर देख लिया। दूसरा जो रिमूवेबल डाई सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम जो जिस जगह के ऊपर करना होता है टूथ के ऊपर, उसे हम केयरफुली जो है ना सेक्शन डाइसेक्शन कर लेते हैं, अब डाइसेक्शन कहते हैं उसे, केयरफुली सेक्शन कर लेते हैं, सो वही वाला जो पार्ट होता है टूथ होता है वो रिमूवेबल हो जाता है, और उसे हम वो उसी के ऊपर वैक्स पैटर्न और बाकी काम कर लेते हैं, और इसे डबल पिन भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो पिन यूज हो रही होती है उसे डबल पिन कहते हैं, इसे डबल पिन सिस्टम भी कह देते हैं। अच्छा, अब ये वाले इसकी जो है फोटोग्राफ्स हैं, तस्वीरें हैं कि ये हम किस तरह करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ये देखेंगे आप, सो ये वाला जो है ये हमारा जिस तरह ये एक टूथ हमने प्रिपेयर किया हुआ है, मॉडल को बड़ा थिन आउट करके छोटा सा कर लेते हैं, ये हमारे पास मतलब लेजर पिन जो है मशीन मौजूद है, पिन डेक्सिस सिस्टम कह देते हैं, ना हो तो आप माइक्रो मोटर से इसके बिल्कुल बैक पे एंड पे इसी टूथ के जो प्रिपेयर टूथ है उसके नीचे होल कर लेते हैं फिशर बार की नस्बत, फिशर बार यूज करके। अच्छा, अब खैर इसने भी यही काम करना था, इससे ये क्या होता है ऊपर लाइट पड़ी होती तो आपको पता हो रहा होता है कि इस जगह के ऊपर होल हो रहा है, ये आ गया। अब इसके नीचे हमने ये हमारे पास होल हो गया तो उसमें हमने ये पिन लगा दी, इसे डबल पिन कह देते हैं। अच्छा, अब इसे जो है वही ग्लू के साथ इसे हम स्टिक कर देते हैं, ये डबल पिन इसमें चली गई। उसके बाद क्या कर दिया कि इसके इस पार्ट के ऊपर थोड़ा सा सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई कर दिया, जितना पार्ट हमने रिमूव करना है, अगर हमने ये सारे रिमूव करना है तो इसके नीचे भी सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई करके बेस बना दी। बेस करने के बाद ये हमने इसे कटिंग डिस्क के साथ सेक्शन करके काट लिया इस तरह। क्या नहीं लगाएंगे अभी आप देखोगे आपको आइडिया होगा ना, आपने उसमें वो आइडिया नहीं। अच्छा, ये सेक्शन करके ये आपके पास आ गया है। अब ये हमारी बन गई, डाई बन गई, और इसके बाद हमने ये देखो मार्जिन छोड़ के बाकी सारे को रिमूव कर दिया है ताकि हैंडलिंग और उसे आसानी से मूव करके हम देख सकें। ये हमारा जो है ये डाई बन गई है।
ये हाथ में पकड़ी कैसे लगती है, ऐसे होती है। अब ये देखें, अगर पिन नहीं होगी तो वो उसी जगह के ऊपर आपके इंसर्शन और रिमूवल नहीं हो सकेगी। आपकी आर से अगर आगे पीछे लेफ्ट राइट हो जाएगी तो फिर किस तरह होगा, ये पिन जो है उसे गाइड कर देते हैं कि उसी जगह के ऊपर दोबारा स्लाइड होना है अपनी एग्जैक्ट पोजिशन के ऊपर। एनी हाउ, अच्छा ये डाई जब बन जाती है हमारी तो इसके ऊपर हमने क्या करना है कि अपना वैक्स पैटर्न बनाना है। वैक्स पैटर्न किसकी कटिंग? हाँ, इसमें जो कटिंग हुई है ये तो क्राउन की कटिंग ऑलरेडी क्लिनिकली होगी आगे। ये वाली जो आप ग्राइंडिंग का पूछ रहे हैं, ये इसलिए पूछ रहे हैं कि ये राउंड हो जाएगी तो हमने इसे मूव करते रहना है, तो जो सेक्शनल पार्ट होते हैं उन्हें मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात है, वरना आप इस तरह भी इसे यूज कर सकते हैं, मार्जिन तो आपके पास पूरे हैं, उसका इशू नहीं है। सो ये वाला इसलिए थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं कि जब इसे आपने हाथ में रोटेट कर जाना तो आसानी से हो सके। ये तो वो क्राउन प्रिपेयर होके प्रिपरेशन होके आ जाती है। एक्सरसाइज में हम खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी एक पेशेंट का है ना जिसे प्रिपेयर करके हम लेके आए, इसके ऊपर क्राउन हमने बनाना है। ओके जी, वैक्स पैटर्न का क्या करना है कि इसमें जिस तरह भी हमारा पॉन्टिक रिटेनर और कनेक्टर जो हम डिजाइन पढ़ चुके हैं कि किस किस तरीके से करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने वो कर लेना है। होता क्या है, होता यह है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस जगह के ऊपर मार्जिन या जो हमने करना है उसके ऊपर बड़ी थिन सी लेयर हम एज ए एक सेपरेटर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई कर लिया, और सॉरी पहले जो है वो स्पेसर अप्लाई कर लेते हैं, स्पेसर के बाद उसके ऊपर हम सेपरेटर से सेपरेटिंग मीडिया। तो उसके ऊपर सेपरेटिंग मीडिया के हमारा जो वैक्स पैटर्न है वो मॉडल के साथ स्टिक ना करे, उसे रिमूव करके हमने करना है। और फिर उसके बाद हमें जिस तरह का पैटर्न रिक्वायर्ड है वो वैक्स के साथ लेके वो लेयर बाय लेयर हम उसके ऊपर अडेप्ट किए जाते हैं। जिस तरह यह बन गई है, इसके ऊपर ये हमने स्पेसर बनाया हुआ है। स्पेसर का पर्पज ये होता है कि हमने, क्योंकि ये बड़ा क्लोज फिट होता है, तो स्पेसर हम इसलिए इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि इसके जब हमने इसे सीमेंट करना है तो स्पेसर जो है वो सीमेंट के लिए थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस दे देगा। और जब स्पेसर करते हैं तो वो हम इसके जो मार्जिन होते हैं उनके ऊपर स्पेसर अप्लाई नहीं करते, बाकी एरिया के ऊपर करते होते हैं। स्पेसर अप्लाई करने के बाद आप सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई कर लेते हैं कि आपका वैक्स पैटर्न इसके साथ स्टिक ना करे, और इसके बाद ये हमने इसके ऊपर वैक्स पैटर्न बना लिया। ठीक है, अगर तो फुल मेटल का होगा तो हम वही है उसकी जो है वो एनाटॉमी वगैरह जो है उसकी मॉर्फोलॉजी भी बना लेंगे। ये चूंकि हमने इसके ऊपर पोर्सिलेन फ्यूज्ड टू मेटल बनाना है तो सिंपली एक कूपिन से बना लेते हैं, एक थिन लेयर इवन जो होती है मार्जिन के ऊपर वो बनाना होता है। नहीं, जिसे कहा वो पैटर्न बना रहे हैं, स्पेसर आपने मार्जिन पे नहीं देना। हाँ, स्पेसर एक तो खैर वो जरूरी नहीं होता, मोस्टली जो प्रोफेशनल्स होते हैं इसे अवॉइड कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्पेसर है ये तो थोड़ा कॉस्टली स्पेसर है, ब्रांड का है तो इसलिए थोड़ा सा महंगा है। इसके लिए सबसे जो कॉमनली स्पेसर आजकल यूज करते हैं लैब्स वाले, वो क्या करते हैं कि नेल पॉलिश लेके उसे थिन आउट कर लेते हैं और उसे एज ए सेपरेटर यूज कर लेते हैं। नेल पॉलिश के लिए वो थिनर या कोई चीज यूज होती है वो ऐड करके वो अप्लाई कर लेते हैं और कर लेते हैं। अगेन, आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है उसे अवॉइड कर जाते हैं, नहीं भी करते। आपने मार्जिन को रिलीफ दे देना, मार्जिन के ऊपर सेपरेटर आपने स्पेसर जो है वो अप्लाई नहीं करना, उसका सेपरेटिंग मीडिया खैर वो होता है आपने सारे पे अप्लाई करना है ताकि आपका पैटर्न जो है वो रिमूव हो जाए। और मटेरियल ऑफ चॉइस एज ए सेपरेटिंग मीडिया, इसके लिए जो है वो ऑयल है, वो पैराफिन ऑयल जो है वो होता है, उसे आसानी से स्टिक हो जाता है। वो जैसे पैटर्न बना रहे होते हैं हम वो ही पेंट करके उतार के बना के वो लगा लिया, वो जो हमने किया भी था। ओके हो गया, अब आ गया इसके बाद जब आपने पैटर्न बना लिया है, अब हमने क्या करना है कि हमारी स्क्रूइंग करनी है और उसे नेस्ट कर लेना है। ठीक है, जो रिंग बनाना करते हैं, स्क्रू जो है ये क्या, इसका पर्पस क्या होता है? स्क्रू जो होता है ये आपका मेटल फ्लो के लिए एक चैनल का काम कर रहा होता है, जिससे आपकी मेटल फ्लो होके आपके टारगेटेड एरिया जो हमारा वैक्स पैटर्न है उसके ऊपर पहुंचती है। उसके लिए वो चैनल जिस तरह हम
जो रिमूवर पे पार्शियल लेंचर बनाते हैं तो उसके साथ भी वो ट्यूब जो इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक है उसके साथ भी वो जो ट्यूबिंग अटैच करते हैं वो अभी एक्चुअली स्क्रूज ही होते हैं, तो इसके लिए भी वो स्क्रू जो साथ अटैच कर लेते हैं जिस तरह वो हमने वो किया भी था कि उस तरह कर लेते हैं। अच्छा एनी हाउ स्क्रू जो ये डिपेंड करते हैं आपके डिज़ाइन के ऊपर कि आपने किस तरह का डिज़ाइन बनाया है और कौन से वाली आप अलॉय यूज़ कर रहे हैं। आपका जो कंप्लीट मेटल फुल मेटल का है उसके लिए अलॉय हमारी डिफरेंट है और जो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल है उसके लिए अल्टीमेटली अलॉय हमारी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो उसी को बेस करते हुए हम जो स्क्रू लगा रहे होते हैं इसकी जो थिकनेस होती है ये हमारी 2 to 2.5 millimeter होती है छोटे उसके लिए। हाँ जब हम डेंचर बना रहे होते हैं मेटल डेंचर्स बना रहे होते हैं उस वक्त जो हमारे जो थिक एरियाज होते हैं उसके लिए हमारे 3 to 3.5 millimeter तक भी चले जाते हैं। वो एक अगेन उसकी थिकनेस और जो आप उसके ऊपर कर रहे होते हैं इसी के ऊपर डिपेंडेड होता है। और इवन 5 millimeter तक भी स्क्रू अटैच होता है। अगर आप दो स्क्रू पूरे कंप्लीट डेंचर पर वो रिमूवेबल मेटल डेंचर पर लगा लें तो 5 millimeter वाला भी लगा लेते होते हैं, दो स्क्रू है, वरना वो 3.5 to 3 millimeter वाला मोस्टली करते होते हैं। अच्छा एनी हाउ वो क्या स्क्रू की जो मोस्टली जो थिकनेस है 2 to 2.5 millimeter होती है और ये जब हम अटैच करते हैं ये उसका जो भी थिकेस्ट पार्ट है उसके ऊपर हम अटैच कर लेते हैं। और ये इसकी जो अटैचमेंट का अगेन वो बताया था एंगल जो है वो ये 45 to 60 degrees तक करते हैं, बिल्कुल वर्टिकल या उस तरह नहीं करते, ठीक है, ताकि मेटल का जो फ्लो है आपकी फ्लो जिस तरह होनी है ये सेंट्रीफ्यूगल उसके थ्रू होनी है तो फ्लो उसके अकॉर्डिंग हो सके। आपने बिल्कुल हॉरिजेंटल या वर्टिकल नहीं लगाना, इंक्लाइन डिग्री का 45 degrees पे लगा लेते होते हैं। ओके जी स्क्रू को बाद में हम जो कोनिकल रबर प्लास्टिक एक बेस जो होती है जिसे क्रूसिबल फॉर्मर कहते हैं उस पर अटैच कर देते हैं। स्क्रू आपका एक एंड तो हमारा वो पैटर्न के साथ अटैच हो गया, पैटर्न को हमने उतारा और वो क्रूसिबल फार्मर के ऊपर अटैच कर दिया। ये आप सब हम लोगों ने वो किया तो हुआ है। उसके बाद जो है इसके ऊपर कास्टिंग रिंग लगा देते हैं क्रूसिबल फार्मर के ऊपर, दरमियान में आपका वैक्स पैटर्न होता है उसकी जो रिंग क्या आपने जो साइज सेलेक्ट करना है कास्टिंग रिंग का वो इस तरह करना है कि बहुत बड़ा ना हो, उसके लिए मटेरियल ज्यादा आपका यूज हो जाएगा। इतना रखना है इतना हो गया आपका पैटर्न जो है ना वो आपका 6 to 8 millimeter जो है ना एटलीस्ट मिनिमम 6 millimeter उसके वॉल्स के साथ उसका डिस्टेंस हो, बड़ा क्लोजली ना हो क्योंकि वो रिंग क्रैक और बाकी स्प्लैशेस वजह के सेंट्रीफ्यूगल की वजह से वो स्ट्राइक भी करते हैं तो उस वक्त भी समटाइम उसके जो है ना मेटल के फ्लो होने के ओवरफ्लो होने के चांसेस होते हैं, इन चीज़ों का वो ख्याल रखना होता है। उसके बाद जो है ये पूरा पैटर्न जो होता है हमने वो बनाया हुआ है इसमें इन्वेस्टमेंट प्लास्टर फिल कर लेते हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट प्लास्टर जो होता है ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी मेटल यूज़ कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इन्वेस्टमेंट प्लास्टर जो होता है वही हमारे पास वही है कि 3 types के हैं जो जिप्सम सिलिका और वो फॉस्फेट बॉन्डेड होते हैं, जो भी आप मेटल यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट प्लास्टर जो होगा। हम चूँकि एक पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली एक वाला ही यूज करते होते हैं। ओके जी ये देख लें जी ये हमारा पैटर्न बना हुआ था, इसके साथ ही हमने स्क्रू अटैच किया, ये क्रूसिबल फॉर्मर आ गया, स्क्रू इसके साथ अटैच कर दिया। अब ये एक नहीं है इसके साथ क्योंकि बाकी भी बनाए हुए थे इसलिए ये आपको मल्टीपल नजर आ रहे हैं, एक ही करानी है क्योंकि एक ही करना है तो एक ही एफर्ट में आपका ज्यादा काम हो जाता है। तो ये हमने मल्टीपल बाकी ये जो ब्रिज है या बाकी क्राउन्स भी अटैच किए हुए हैं, ये हमने इसके ऊपर रिंग सीट किया है, ये इसका इवन डिस्टेंस हो। हाँ ये वाइट सी आपको एक शीट नजर आ रही है इसे कहते होते हैं एस्बेस्टॉस शीट जो करते हैं, ये कॉमनली पहले मटेरियल यूज होता था अब इसे मोस्टली अवॉइड कर रहे हैं। इसके दूसरे मल्टीपल रीजन से बात आगे लंबी चली जाएगी उसे छोड़ देते हैं, अब सिंपल रिंग्स भी कर रिंग बना लेते हैं। इसका पर्पज ये होता था कि इसे सेपरेट करने में आसानी हो जाती थी रिंग को, जब हम करते थे जिस तरह हम फ्लास्किंग करते हैं एक्रेलिक के लिए तो हम उसके लिए कोई ना कोई लुब्रिकेंट एजेंट या कुछ इस तरह का सेपरेटिंग मीडिया कोई कर लेते हैं ताकि प्लास्टर जो है आसानी से हो जाए, तो इसलिए भी रिंग को ना आसानी से कर लेते हैं। अच्छा ये तो है हमारे पास प्री फैब्रिकेटेड मेटल रिंग्स हैं जो हमारे डिफरेंट साइज के बने हुए हैं। हम दूसरी ट्रिक की तरफ भला क्या यूज करते हैं कि हम खुद भी रिंग बना लेते हैं और इसके लिए जो सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक हम यूज करते हैं वो एक्सेल शीट लेके उसे टू फोल्ड करके तो उसे रिंग्स हम मोस्टली बना लेते हैं, जिस तरह वो मेटल डेंचर के लिए हम मोस्टली बनाए हैं या उसके लिए बना लेते हैं। क्राउन के लिए तो खैर ये मैं मेटल के ही रिंग सजेस्ट करता हूँ, यही यूज करते हैं तो उसका साइज क्योंकि बड़ा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम
दूसरे शीट्स के भी जो एब्जॉर्बेंट ना हो, जिसमें वो पानी या वो ना कर ले, तो उसे अवॉइड करते हुए हम शीट के भी बना लेते हैं। अगेन वो रिंग को हमने इसके साथ अटैच कर दिया, इन्वेस्टमेंट प्लास्टर लिया और इसे हमने पोर कर दिया। अगेन वो पोरिंग का जो होता है कि आपने बड़ा थिन करके और अपने मटेरियल अपना पैटर्न को अवॉइड करके पोर करना, बड़ा थिन करना है, वाइब्रेशन के साथ करना है, वाइब्रेटर पे रख के या बड़ी जेंटल टैपिंग करनी है। जज्बात में आके टैप करेंगे तो ये हिल जाता है अपनी पोजीशन से जिस जगह पर किया हुआ है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि जेंटल टैपिंग करनी है। ओके जी, अब इसके बाद जब ये हमारा रिंग बन गया, ड्राई हो गया, उसका जो अभी है वो प्रोसेस हो गया, अगेन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद जब ये हो गया तो हमने इसका क्या करना है कि इसके ऊपर जो है वो कास्टिंग हमने करनी है। तो कास्टिंग के लिए क्या करते हैं कि हम अपने रिंग को उठा के किस में रखते हैं भला, फर्नेस में रख देते हैं, प्रीहीट फर्नेस में रख दिया, उसका टेम्परेचर सेट कर दिया। उसके लिए जो पहले जो वैक्स होती है उसे हमने करना है डी वैक्स। डी वैक्स होगा क्योंकि उस जगह पर वैक्स है। डी वैक्स करके जगह वो खाली चैनल बनेगा, वो खाली जगह होगी तो उसमें हम मेटल डाल सकेंगे ना। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज हो रही होती है वो हो रही होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, क्योंकि वैक्स को हम बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। एक्रेलिक डेंचर्स वगैरह जब हम बना रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि हम जो वैक्स को सॉफ्ट करके या स्लाइटली मेल्ट करके तो उसमें हम खोल के ओपन करके फिर कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे हो ना। इसमें क्या करते हैं कि इसमें वैक्स को हम बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। रिंग हमने प्रीहीट फर्नेस में रखा होता है, प्रीहीट फर्नेस का टेम्परेचर जो है वो 950 के करीब, 900 के करीब होता है। तो वैक्स जो है वो जैसे जैसे मेल्ट होती रहती है तो वो गिर के बर्न होके फिर वो चली जाती है, तो इसे बर्निंग ऑफ वैक्स भी कह देते हैं, बर्न वैक्स टेक्निक भी कहते हैं। मगर एक्चुअल जो नाम इसके लिए, टेक्निकल जो नाम है वो लॉस्ट वैक्स है, क्योंकि बर्न होकर वो फ्यूम्स बाल के उड़ जाती है। ओके जी, फिर हम वेट करते हैं। टेम्परेचर हमने प्रीहीट फर्नेस का सेट किया होता है अप्रॉक्सीमेटली अप टू 900 सेंटीग्रेड। अगेन ये हमारा जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके लिए, जिस तरह कास्ट पार्शल के लिए हमने टेम्परेचर जो वो 1000 सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, 980 तक एक्चुअली, तो इसका 900 के करीब तक रखते हैं, इसे नीचे ही रख लेते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर जब उधर तक आ गया, थोड़ी देर तक हमने इस रिंग का टेम्परेचर 900 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखना है। जब उस तक मेंटेन हो गया तो हमने क्या करना है कि मेटल लेके उसे वो कास्टिंग मशीन में लेके तो हमने उसे मेटल को मेल्ट कर लेना है। कुछ जो कास्टिंग मशीन है हमारे पास तो क्योंकि वो मैनुअल वाली है ज़रा, कुछ जो होती हैं वो ऑटो होती हैं, उसी के बीच में आपने बटन दबाना है तो वो आपका जो मफल होता है उसी के बीच में मेटल मेल्ट होने लग जाती है। और तो जैसे मेल्ट होती है आप देख लेते हैं मेटल, तो आप बटन दबाते हैं तो वो आपकी हो जाती है। हम चूंकि थोड़ा अक्सर मैनुअल काम कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो ऑक्सीटाइलिन टार्च जो होती है, ऑक्सीटाइलिन टार्च जो होती है उसके साथ लेके आप वही मेल्ट जिस तरह करके उसे फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम के ऊपर, जो हाई टेम्परेचर फ्लेम जो होता है, मेटल जैसे मेल्ट होती है, रिंग उठा के हमने वो पहले बैलेंस किया होता है, उसमें रख के उसके चैनल को बिल्कुल वो रिंग की जो ओपनिंग है उसके सामने आपस में रख के मेटल को मेल्ट करते हैं, बटन दबा देते हैं। या हमारे पास जो है वो सेमी ऑटो है, क्योंकि जैसे हम उसका लिड बंद करते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल के थ्रू होके मेटल जो है वो मेल्ट होके उसमें इंजेक्ट हो जाती है, इंजेक्ट की तरह वो, क्योंकि फ्लो हो रहा होता है, जितनी तेजी से घूम रहा होता है मेटल फ्लो करके अपनी अपनी जगह से, जिस जगह पे उसे खाली जगह मिलती है उस जगह के ऊपर पहुंच के वो अपनी हो जाती है, पहुंच जाती है। ये उसका तरीका है। आप लोगों ने खैर वो की भी हुई है, देखी भी हुई है। ये हमने प्रीहीट फर्नेस में रखा हुआ है, टेम्परेचर हो गया, ये देखें वही ना आयरन वो मेल्टिंग रेड हो गया इसका, करके ये टॉर्च से हमने इसे मेल्ट किया है। ये जो वेक्टर टाइप टॉर्च है बड़ी जहाजी तरह किस्म की है, ये जज्बात में आके हमने जरा बड़े साइज के लिया। मैंने कहा हुआ है कि छोटे साइज वाली लेके उसे करें, आप लोगों की आसानी हो जाएगी। ये है इसे डील करना, टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये जरा हैवी ड्यूटी है। अब देखें वो कब तक आ जाती है। एनी हाउ ये हमने रखे, ये मेटल मेल्ट कर दिए, मेटल मेल्ट करके जैसे हमने लिड क्लोज किया, ये देखें इन दोनों का जो सामने एक दूसरे के सेम है। अच्छा, अब ये तस्वीर के लिए देखें तो इसका जो कलर है वो वाइट नजर आ रहा है, ये सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए है, क्योंकि
अब फोटोग्राफी के लिए हम कर नहीं सकते थे कि वही वाला लेके हम करते रहे। ये एक्चुअली ये जो है वो रेड कलर का ही होता है क्योंकि इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है, तो लिहाजा इस चक्कर में ना रहना कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, अच्छा ये हमने मेल्ट मेल्ट करके जैसे किया तो वही तेजी से घूमे तो ये करके वो कर दिया। हाँ एक चीज का पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, इसकी इस साइड में ये थोड़ा सा ब्लैक नजर आ रहा है, ये वेट होता है। हाँ वो आप लोगों ने देखा ना, हमने बैलेंस भी किया था, उसे बैलेंस करके जब वो करते हैं, अगर ये बैलेंस नहीं होगी, इम्बैलेंस होगी, तो क्या होता है ये फिर वाइब्रेट बहुत ज्यादा शेक करती है। इसलिए बताने का मकसद ये है कि प्री हीट फर्नेस में रखने से पहले ये रिंग इधर रखते हैं, रख के इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं, इसका वेट होता है अभी। ये कौन से वाला रिंग है हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया ना कि ये वाला जो रिंग है, इस साइज का रिंग है, ये दो नंबर पे आ जाएगा या तीन नंबर, उसके ऊपर भी पॉइंट्स बने हुए हैं कि टू नंबर पे बैलेंस होता नहीं। सबसे आसान तरीका होता है कि रिंग को रखें पहले, रख के आपको अगर अंदाजा नहीं है तो वेट को उसके हिसाब से बैलेंस करके एक दो दफा चला के देख लें, उसे बैलेंस कर लें। जब बैलेंस हो जाए फिर उठा के रिंग को प्री हीट फर्नेस में रखें, क्योंकि जब ये फुल वो होगा आयरन, वो अपना क्या उसे कहते हैं, रेड हॉट होगा, तो इस तरह का आप चेक उस वक्त नहीं कर सकते। उस वक्त मेटल भी मेल्ट हुई होगी, उस वक्त तजर्बा नहीं हो सकता, उस वक्त आपने सिंपली सेकंड में आपने इसे करके इंजेक्ट करना होता है। एनीवे ये देखो मेल्ट हो गया, ये इस रिंग में आपको नजर भी आ रहा होगा कि रेड है, मेल्ट हो गया, उसमें फ्लो हो गई, इंजेक्ट हो गया, और ये रिंग हमने लेके ऐसे रख दिया है। सियाने ये कहते हैं कि जब आपने रिंग को रखना है तो इसे आपने डाउन साइड अप इस तरह कर लेना, मतलब बटन आपका जो पार्ट होता है इसका, उसे बटन कहते हैं, वो ऊपर की तरफ हो। ओके जी, ये आपका हो गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू दैट, कि आपने वेट करना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन ना हो जाए, जब तक ना हो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। एक तो मूव नहीं करना है इसे, जिस तरह हमारा अगेन प्लास्टर सेट हो रहा होता है उसको दिखा दें कि आप इंप्रेशन और मॉडल्स या प्लास्टर वगैरह को थोड़ी देर के लिए रख दें, उसका इनिशियल जो है वो प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाए। इसे भी कहते हैं मूव नहीं करना, आपने ख्याल से इसे रख लेना है, एरी जगह पे रख लें ताकि वो जल्दी से वो हो जाए। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो होता है रिकवरी एंड फिनिशिंग, कि हमने जो वो रिंग बना लिया था वो जब हो गया है उसमें से रिकवर कैसे करना है। जिस तरह फ्लास्क होती है, फ्लास्क से पहले आप डी फ्लास्किंग या रिकवरी कहते हैं उसे, और बाद में उसे आपने फिनिश कैसे करना है। रिकवरी का सिलसिला ये होता है कि आपने छोटे वाला हैमर लेके या कोई भी चीज लेके आपने बड़ा ध्यान से ऐसे ट्राई करना होता है और कोशिश करना होता है, जिस तरह हमारे डेंचर्स का होता है कि आपने जो आपका वो वाला पोर्शन है ना जिस जगह के ऊपर है उसे डायरेक्टली हीट नहीं करना होता, इर्द गिर्द हीट करके कर लेना है। तो एडमेस्ट मटीरियल को आपने रिमूव कर लेना है, उसके बाद आप प्लास्टर कटर नाइफ लेके, प्लास्टर नाइफ लेके उसे आपने रिमूव कर लेना है मैक्सिमम। अगेन इसकी रिकवरी उसी से मिलती जुलती है जिस तरह प्लास्टर की होती है, ये उसकी जगह पे आपने देखा भी होगा वो ब्रिटल और सॉफ्ट सैंड सा होता है ना, उसकी तरह का हार्ड होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि फाइनल रिमूविंग, अगर इसके कुछ रेजिड्यूज रह रहे हों तो हम उसके लिए सैंड ब्लास्टिंग करते हैं। सैंड ब्लास्टिंग का क्या कंसेप्ट होता है कि हाई स्पीड जो है हम बड़ी तेजी से थ्रो कर रहे होते हैं सिलिका बॉन्डेड, हमारे पास सिलिका बेस्ड सैंड होती है, पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके स्ट्राइक करते हैं जितनी भी चीज होती है वो रिमूव कर देते हैं, और इसके लिए एक टर्म यूज होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजेशन टाइप, मतलब एक इसका प्रोसेस होता है जिसमें इसके जो माइक्रो पोर्स होते हैं ना वो भी जाके उसमें मतलब प्रॉपरली क्लीन कर देते हैं, और इसका जो होती है कलर जो होता है, कलर इसका बड़ा जो है ना वो ग्रेश टाइप का हो जाता है। मेटल का कलर एक्चुअली डिफरेंट होता है मगर वो सैंड ब्लास्टिंग से तो ग्रेश सा हो जाता है जो है ना, जिस तरह आप कभी मेटल की चीज के ऊपर सैंड पेपर से हम रब करते हैं तो जो जिस तरह का उसका हो जाता है ना उससे जरा ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है। आपके जो सैंड पेपर्स होते हैं ना इनके ऊपर भी जो सैंड कोटेड होती है ये भी डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं, कोई एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, कोई किसी मटेरियल की बनी होती है, कोई किसी मटेरियल की, उसमें भी आप यही वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं मगर ये वाला जो है उसे प्रॉपरली क्लीन कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास कोई वर्ड्स वगैरह कोई कुछ भी आए हुए हैं वो बाद में क्लीन हो जाते हैं, उन्हें क्लियर कर लेते हैं और मेटल को हम उसमें काट लेते हैं। और फिनिशिंग में इसका जो मेटल ट्रीटमेंट जो किट होती है हमारी, उसमें जो है ना हमने जो मेटल कूपिंग है इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 मिलीमीटर होनी चाहिए,
को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, अच्छा जरूरत हो जाए तो 0.3 तक आप जा सकते हैं, इससे कम नहीं जाना। ये आपका रिंग बना हुआ था, इसे हमने वो हैमर से थोड़ा सा कर लिया, रिमूव कर लिया, ये इस तरह का आ गया। बाकी कटर वगैरह लेके हमने, नाइफ लेके मैक्सिमम इसे क्लीन करने के बाद जो रेजिड्यूज आ गए हैं ये हमने सैंड प्लास्टर में डाला हुआ है, आप लोगों ने यूज भी कर लिया होगा। ये अमोनिया बेस्ड जो सैंड होती है वो थ्रो करके एल्बमिनाइजेशन, वो तो मेरे जहन में नहीं आ रही, वो करके आप कर लेते हैं। ये देखें, ये पास हमारे पास बच जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास मेटल ट्रीटमेंट किट कर लें या वो फिनिशिंग किट कर लें, कटिंग डिस्क है, इसे हम स्क्रूज वगैरह काट लेते हैं, ये करके काट लिया। ये डिफरेंट मेटल के बार्स हैं जिसे हमने फिनिशिंग कर लिया है, मार्जिन वगैरह को हमने ख्याल रखना होता है। ये हम हाई स्पीड मोटर पे उसे कर रहे हैं। ये वाला जो गेज है इसे ऑप्शन गेज कहते हैं, इसे हम थिकनेस को गेज कर रहे होते हैं, काम सारा आप लोगों ने देखा या किया हुआ है। इसके बाद ये वाला जो है हमने वही वाला जो केस था ये इसके ऊपर हमने सीट करके देख लिया है, प्रॉपर मार्जिनल फिट और ये सारी चीजें हमने चेक कर लेनी होती है। समटाइम्स इसके इधर भी ये माइक्रो बबल्स आए होते हैं, वो भी हमने फिशर बार जो होते हैं, मेटल फिशर बार जो होते हैं फिनिशिंग के लिए, इस तस्वीर में नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसे हम करके एडजस्ट करके इसकी फिनिशिंग चेक कर लेते होते हैं। ये आपका मेटल तक का हो गया है कि मेटल आपका पैटर्न बन के वो हो गया है, ठीक हो गया है। अगर आप सिंपली मेटल का कर रहे हैं तो आपका इधर कंप्लीट हो जाएगा, मगर हम जो है मेटल फ्यूज्ड पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल का बनाना होता है, यही होता है और इसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा होता है, सादा मेटल वाला जमाना गया। जाने का मकसद ये है, सिंपल सा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है पोर्सलिन एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। ये भी कोई मुश्किल या इतनी बड़ी वो कोई साइंस नहीं है, टेक्निकल चीजें इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो ये हमारा वो बना हुआ था, व्हाट वी नीड टू डू दैट, वी नीड टू अप्लाई द ओपेक ओवर इट, ओपेक ट्रांसलेंट और ट्रांसपेरेंट, इनके डिफरेंस का पता है ना, जितना ये शीशा आपका ये ट्रांसपेरेंट है, अगर इस पर हल्का सा फ्रॉस्टी कर दें वो हो जाए तो ये ट्रांसकुलेंट हो जाएगा, मतलब इसमें से वो धुंधला सा नजर आएगा, नहीं होगा। और अगर इसके ऊपर कोई पूरा शीट लगा दी जाए तो वो ओपेक हो जाएगा, फिर हमें सी थ्रू नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने इसे इसके ऊपर ओपेक ही अप्लाई करना है ताकि जो मेटल का शेड है वो ना नजर आ सके, क्योंकि हमने इसके ऊपर बाद में जो पोर्सलिन अप्लाई करनी है वो ओपेक नहीं होती, उसमें से अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो मेटल का शेड नजर आएगा। उस चीज को खत्म करने के लिए हम इसके ऊपर ओपेक पोर्सलिन अप्लाई करते हैं, और जिस तरह का हमें शेड चाहिए, जिस तरह डिफरेंट शेड गाइड्स होती हैं, हम जो यूज कर रहे होते हैं हम शोफो की कर रहे हैं, हमारे पास जो पोर्सलिन है शोफो की कर रहे हैं, तो उसके लिए ओपेक्स भी हम उसी के यूज करेंगे, गाइड भी उसी की यूज करेंगे, तो उसके लिए ओपेक भी जो बेसलाइन होती है वो उसी ही शेड की होती है। तो आपने जो भी खैर अप्लाई करने लगे हो सेम शेड आपने अप्लाई करके सिंगल कोट करके इसका पेस्ट बन जाता है, इसमें वो ऐड करके पेस्ट बना के आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, अप्लाई करके तो इसे आपने बेक कर लेना है पोर्सलिन फर्नेस में, और जो फर्स्ट ओपेक आप करते हैं ये आप 960 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे बेक करते हैं। उसके बाद अगर दोबारा आपको जरूरत पड़े तो आप सेकेंड कोट अप्लाई कर सकते हैं, और समटाइम क्रैक्शन कह दें उसे, सेकेंड ओपेक कह दें, वो कर लेते हैं। और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपने अगर पहले वाला ओपेक जो है 960 पे किया है तो वो 950 तक ले जाते हैं उसे, इससे पहले वाले के नहीं करते होते। तो ये देखो अब मेटल का शेड जो है वो डिफरेंट था, अब जो है इसमें मेटल का शेड काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें जो है वो करने के बाद आपने क्या करना है, ओपेक अप्लाई करने के बाद आपको किस तरह का पता लगेगा कि फाइनल हमने ठीक ओपेक अप्लाई किया है, कि एक तो ये हमने मास्किंग कर रहे हैं ना एक्चुअली, उसका कलर छुपा रहे हैं, तो जो पेंट एक टाइप का कर रहे हैं, एक तो ये है कि इवन लेयर उसकी हो और स्मूथ हो, और इसकी जो अपीयरेंस आती है जिस तरह एक्शेल नहीं होता अंडे का जो छिलका है ऊपर वाला, तो वो होता स्मूथ सा है, हल्का सा बीच में रफ सा भी लग रहा होता है मगर स्मूथ सा, और जिस तरह की वो फील होती है एग्जैक्टली वैसी फील आती है इसकी, इवन टच करने में भी ना उसी तरीके की फील आ रही होती है।
अच्छा एक तो ये देख लेना कि मटेरियल अच्छा इसलिए क्योंकि ये पेस्ट होता है अपनी मर्जी से भागता भूगता रहता है, ना सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पे बल्कि ये मार्जिन के अंदर साइड वाले भी, जो फिटिंग सरफेस होती है वो उस सारे सरफेस होती है उसके ऊपर भी घुस रहा होता है। तो वो अगर उस जगह पे चला भी जाए तो आपने उसे फिनिश कर लेना, या बेक करने से पहले आपने वेट उसे घास पीसे से रिमूव कर लेना है, ठीक है। उसके रेमिनेंट्स इंटरनल सरफेस पे भी ना आ जाए और एक्सेस आपका एक्सटर्नल सरफेस पे भी ना रहे। ये आपने करके बेक करके आपका तैयार हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, देखें ये डाई है, ये आपका ओपेक अप्लाई हुआ हुआ है। इसके बाद आपने बॉडी पोर्सलिन होती है इंटीरियर में अगर होगा तो उसके मार्जिन के ऊपर, इंसाइजल मार्जिन के ऊपर आपने इंसाइजल पोर्सलिन भी अप्लाई करनी होती है, मगर हम बॉडी पोर्सलिन को ही करते हैं। ये वो उसका पेस्ट टाइप बना के आपने एक पेस्ट हो, बताता हूं ना, हाँ बॉडी पोर्सलिन सारी लगेगी उसका, सिर्फ इंसाइजर इंसाइजर 1/3 से भी कम बल्कि स्लाइटली सा सिर्फ इंसाइजर पोर्शन जो है ना उसके ऊपर करनी होती है। उसकी मैं वजह बताता हूँ, पहले उधर तक पहुंचने दो मुझे। अच्छा सबसे पहले क्या नेक पोर्सलिन भी समटाइम होती है, वो आपने नेक के ऊपर अप्लाई करके बाकी जो है आपने बॉडी पोर्सलिन बना लेनी है। मेजर चंक जो आपका या पोर्शन जो है ये बॉडी इसी से ऊपर ही कर लेते हैं। ये करने के बाद आपने मेजर बना के ब्रश के साथ लेके इसे शेप आउट करते रहना होता है, और साथ इसके डिस्टिल्ड वाटर होते हैं हम जो है उसे हल्का सा करके ना मॉइस्चराइज करके ब्रश को उसके साथ ही करते रहते हैं। और इसके लिए जो मोस्टली ज़्यादातर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो टेक्निक यूज करते हैं कटबैक, बाकियों में भी हम जिस तरह करते होते हैं तो थोड़ा एक सी बड़ी करके बाद में आप हल्के से उसे कट कर लेते हैं, ये जो है ब्लेड लेके तो उसके साथ आप कट कर लेते हैं। और बहुत सारे जो ज्यादा वो है वो डायरेक्ट अप्लाई उतनी कर लेते हैं, ये हर बंदे का अपना जो है वो स्ट्रेटेजी है इस तरह कर लेते हैं। आसान जो है वो कटबैक टेक्निक है, मैं खुद वो ही करता होता हूँ। आपने उसके साथ उसी की शेप बना लेनी है, बॉडी की मेजर शेप उसी की बना के जो एडिशनल होगा वो आपने मॉइस्चराइज जो है वो टिश्यू पेपर से लेके उसे आपने उसका मॉइस्चराइज जो है वो मॉइस्चर जो है वो रिमूव कर लेना है। अब अगर इंसाइजर है आपने, अगर आप देखो कभी सनलाइट में तो आपका जो इंसाइजर एज होता है वो ट्रांसक्यूलेंट होता है, उसमें से हल्की सी लाइट पास हो रही होती है, उस चीज का इफेक्ट करने के लिए आप जो वो वाला पोर्शन होता है ना उसके ऊपर आप इंसाइजर पोर्सलिन अप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ इंसाइजर मार्जिन के ऊपर, ताकि वो वाला जो इफेक्ट है वो आ सके। अगेन अगर कहीं स्ट्रेन वगैरह देने की, तीसरा जो जरूरी नहीं है कि आपका जो टूथ हो वो बिल्कुल ही प्लेन हो एक ही शेड का हो, उसमें स्ट्रेन्स क्रैक्स भी आते हैं तो वो उसी वक्त इसमें जो होता है वो स्टेनिंग, एक अगेन वो पोर्सलिन नहीं होती है तो इसमें हल्के से दाग धब्बे खुद लगा लेते हैं नेचुरल उसको करने के लिए, मगर वो उसके लिए जो होता है आपका जो क्लिनिशियन होता है वो उस बाकी दांतों की तस्वीर साथ भेजता है कि इस तरह के स्टेन्स बाकी दांतों में मौजूद हैं, तो वो मैच करने के लिए हम खुद से स्टेन डाल देते होते हैं। स्टेनिंग किट हमारे पास पड़ी हुई है, मैंने एक दो पे तजर्बा किया था मगर वो खैर ज्यादा करते नहीं है। एनी हाउ ये करके इसे बेक कर लेते हैं, और बॉडी पोर्सलिन जो है ये हमें मल्टीपल टाइम एक से दो दफा फिनिश कर लेते हैं, फिर जरूरत पड़ती है अब कहीं से कम होगी कहीं से कुछ हो गई तो दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। और इसके लिए जो होता है उसे कुरेक्शन पोर्सलिन कहते हैं, आपने दो तीन करेक्शंस करनी पड़ जाए तो इट्स ओके आप करेक्शन कर लेते हैं। और उसकी जो करेक्शन है वो जो बॉडी पोर्सलिन है वो 950 पे करनी है, करेक्शन जो है वो 940 और उसके बाद 930 तक भी आप कर सकते हैं, उससे आगे नहीं करना है। और इसके बाद जो फिनिशिंग हो रही होती है पोर्सलिन की वो हो रही होती है आपकी डायमंड कोटेड जो बार्स होते हैं उसी के साथ ही हो रही होती है, ये उसकी फिनिशिंग किट है। डिफरेंट तरह के बार्स होते हैं और डायमंड बार्स होते हैं उसे हम कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है इसकी जो पॉलिशिंग है उसकी अपनी स्ट्रेटेजी टेक्निक है कि हम पोर्सलिन को पॉलिश किस तरह करते हैं। पॉलिश के लिए दो तरीके यूज होते हैं, आजकल जो ज्यादा तरीका यूज हो रहा है वो होता है ऑटो ग्लेजिंग, क्या फिनिशिंग करके उसे प्रॉपरली क्लीन करके आप सिंपली 940 सेंटीग्रेड तक एक दफा इसका प्रोग्राम रन कर देते हैं फर्नेस का, तो वो ग्लेज होके आ जाता है वो
पॉलिश सा, नेचुरल पॉलिश उस टाइप की लगती है। वरना दूसरा जो मेथड होता है वो हम लिक्विड या पेस्ट होता है वो इसके ऊपर पेंट करके तो अब दोबारा से कर लेते हैं, उसका जो होता है वो 900 to 910 सेंटीग्रेड तक इसे हम जो उसका साइकिल है वो रन कर देते हैं, जिसके बाद जो आपकी प्रोसेसिस आती है, डेंचर आता है, वो पॉलिश सा होता है, और इसके बाद चेक करने के बाद हम इसे बाद में वो करके इसे सीमेंट कर देते हैं, पेशेंट को लगा देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इन्हीं फोटोग्राफ्स के साथ लाइव मैनुअल्स में मिल जाएंगे, और रेजेंशियल में भी आप देख सकते हैं, और दीपक नाथ स्वामी में भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ वो थोड़ा सा रहता है, वो हम देखते हैं कि उसे करके अगर टाइम मिलता है ना, वो ख्वाहिश के बावजूद जो है ना वो हमारा हो नहीं सका, वो कर लेते हैं। एक चीज़ आज मैं बता दूँ, मेरे अभी जहन में आई है जो भूल गई थी, वो ये है कि जब हम फर्नेस में रखते हैं, पोर्सलिन फर्नेस में रखते हैं, एक जो चीज़ होती है कि इसमें जब उसकी बेकिंग हो रही होती है ना, वो वैक्यूम बेक्ड होती है, ये उसमें सारी एयर निकल जाती है और फिर जाके बेक होती है, उसमें एयर नहीं होती प्रॉपरली, फिर भी होती है, अगर एयर हो तो फिर उसमें वॉइड्स और बाकी जाने के चांसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। होता क्या है कि वो जैसे जैसे जाती है उसका टेम्परेचर रेज होता जाता है, वो फर्नेस में हीटर ही है ना, उसके बीच में गई है, आहिस्ता आहिस्ता वो जाती है, थोड़ी देर रुक के फिर इसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ, फिर रुक के फिर रुके, अगर हम इंस्टेंटली करें या वो करें तो वो क्रैक्स और वो जिस तरह आपने मटेरियल्स में पड़ा है कि इसमें वो आ जाते होते हैं, ब्रेक हो जाती है, वो रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर और इवन कूल इन टेम्परेचर जो है वो वार पे जो बाकी जो मामला होते हैं वो होते हैं। और अगेन पोर्सलिन कास्टिंग जब हमारी हो रही हो, सॉरी मेटल कास्टिंग और ये वो होती है, उसके भी आपने पोरोसिटी और बाकी जो पैरामीटर्स वो पढ़े हुए हैं, वो इसलिए डिटेल में नहीं पढ़े कि वो क्योंकि मटेरियल का सेक्शन है, वो आपने सारी चीज़ें जहन में होगा आपके, तो वो वाला है लेक्चर में आइए, अगेन यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और ये वाली स्लाइड आपकी उसके ऊपर भी है यूट्यूब में जो ये फ्रियाल से उसके ऊपर होगा, और स्लाइड शेयर के ऊपर ये जो